चलो भाई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी सेट हैं निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, अपने उत्तर का औचित्य बताइए, मतलब गिव द रीजन, ठीक है भाई। तो देखो भाई, सबसे पहला ऑप्शन है, पहला क्वेश्चन है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, मतलब कलेक्शन ऑफ द मंथ विच स्टार्ट्स फ्रॉम जे, ठीक है भाई। तो जे से स्टार्ट होता है जनवरी, जून और जुलाई, ठीक है भाई। पहला जनवरी, जून और जुलाई। कोई और ऐसा मंथ है जो जे से स्टार्ट होता हो? मैं किसी और से भी पूछूंगा तो वो भी जनवरी, जून और जुलाई ही बताएगा। तो क्योंकि इसकी डेफिनेशन फिक्स्ड है, क्योंकि वो मंथ जिसका नेम जे से स्टार्ट होता हो वो कौन है? जनवरी, जून और जुलाई। तो इसकी डेफिनेशन फिक्स्ड है, तो ये सेट कहलाएगा क्योंकि इसकी डेफिनेशन फिक्स्ड है, क्लियर है। दूसरा, भारत के सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, सबसे टैलेंटेड राइटर्स ऑफ द इंडिया, हाँ भाई सेट होगा या नहीं होगा? नहीं। मैं बोलूँ मुंशी प्रेमचंद, तुम बोलोगे कालिदास, तुम बोलोगे सूरदास, वो बोलेगा मीराबाई, है ना भाई। सबकी थिंकिंग अलग अलग, सबके विचार अलग अलग, तो सबकी नज़र में प्रतिभा भी अलग अलग, क्योंकि सबकी नज़र में टैलेंटेड अलग है, टैलेंट एक अलग चीज़ है, ठीक है। किसी की जो लेखक होते हैं, कोई किसी चीज़ पे श्रृंगार रस पे ध्यान देता है ना, कोई वीर रस पे, ठीक है। तो अगर तुम्हें श्रृंगार रस पसंद है तो तुम्हें तो श्रृंगार रस वाला प्रतिभाशाली लगेगा कि क्या क्या गजब की प्रतिभाशाली प्रतिभा है इसमें, है ना। अगर तुम्हें वीर रस अच्छा लगता है तो तुम्हें वीर रस वाला ही लेखक अच्छा लगेगा कि क्या इसने देशभक्ति मतलब जगाई है, एक अलग जगा दी इसने, तो तुम्हें वीर रस वाला प्रतिभाशाली लेखक लगेगा। तो प्रतिभा की एक अलग ही डेफिनेशन हो गई, ठीक है। तो दूसरा वाला सेट नहीं होगा। तीसरा वाला ऑप्शन है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह, वर्ल्ड बेस्ट बैट्समैन का कलेक्शन बताओ। तो कोई तो कहेगा एबी डिविलियर्स, कोई कहेगा एमएस धोनी, कोई कहेगा विराट कोहली, कोई कहेगा डेविड वॉर्नर, कोई कहेगा आरोन फिंच, कोई कहेगा स्टीव स्मिथ, कोई कहेगा राहुल द्रविड, आउट ही नहीं होता है भाई। तो सबके नज़र में अलग अलग, कोई लेगा तो स्ट्राइक रेट के अकॉर्डिंग लेगा, कोई लेगा टिकाऊ प्लेयर जिसका एवरेज अच्छा हो, है ना। कोई मिडिल लेगा जिसका एवरेज भी अच्छा हो, स्ट्राइक भी अच्छा हो, जैसे विराट कोहली है ना। कोई रोहित शर्मा लेगा जो छक्के ज़्यादा मारता है, कोई लेगा सचिन तेंदुलकर जो चौके ज़्यादा मारता है, कोई आरडी कैम मारने है ना, ठीक है। जैसे हार्दिक पांड्या आती पहली बॉल से उड़ाना शुरू, स्टार्ट आउट हो जाए चाहे कुछ हो जाए, लेकिन वो मारने से मतलब है उसको, ठीक है। तो ये सबकी डेफिनेशन अलग अलग, सबके विचार अलग अलग, क्योंकि सबकी नज़र में जो बेस्ट क्रिकेटर्स हैं या बैट्समैन हैं सब अलग अलग हैं, ठीक है। मेरी चॉइस कुछ और है, आपकी चॉइस कुछ और है, तो सेट नहीं है, ठीक है भाई। तीसरा फोर्थ क्वेश्चन है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, बॉयज ऑफ योर क्लास, आपकी क्लास के सभी बॉयज, हाँ भाई जो कलेक्शन है वो सेट होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि सिर्फ आपकी क्लास के और बॉयज को बुलाया रहा है, आपकी क्लास के बॉयज को, ओनली बॉयज, और सिर्फ आप ही की क्लास के, तो किसी और क्लास का नहीं है, किसी और स्कूल का नहीं है, किसी और देश का नहीं है, वो सिर्फ आपकी क्लास, हाँ भाई आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, फोर्थ क्वेश्चन, सेट होगा, ठीक है भाई, सेट होगा, क्योंकि जो बॉयज़ हैं वो सिर्फ आपकी क्लास के हैं, ना कि किसी और की क्लास के, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, 100 से कम सभी नेचुरल नंबर्स, 1 से लेके 99 तक, सेट होगा। 100 से कम मतलब 99 और नेचुरल नंबर है तो 1 से लेके 99 तक, ठीक है भाई। तो सेट होगा, उसकी डेफिनेशन फिक्स्ड है,
जो भी पूछेगा तो 1 से लेके 99 तक बताएगा, क्यों? क्योंकि उसने बोला 100 से कम और नेचुरल नंबर, तो 1 से लेके 99 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए, ओनली प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए, ओनली प्रेमचंद, वो भी उपन्यास, ना ही कुछ और चीज, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ उपन्यास, वो भी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए, तो सेट होगा या नहीं होगा? होगा, ठीक है भाई। सभी संपूर्ण अंकों का संग्रह, हाँ भाई, ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, सम सम मतलब दो, चार, छः, आठ, दस, वो बताएगा तो यही बताएगा, ठीक है भाई। किसी से भी पूछो तो वो यही बताएगा, दो, चार, छः, आठ, ले जा अनंत तक, बोलेगा दो, चार, छः, आठ और इन्फिनाइट तक, ठीक है भाई। तो ये सेट होगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 8, सभी संपूर्ण अंकों का संग्रह तो हो गया, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, इस अध्याय में मतलब इस चैप्टर में आने वाले क्वेश्चंस का कलेक्शन, हाँ भाई सेट होगा या नहीं होगा? इसी चैप्टर में आने वाले क्वेश्चंस, नहीं किसी और चैप्टर, इसी चैप्टर मतलब सेट के चैप्टर से आने वाले क्वेश्चंस, तो उसकी डेफिनेशन फिक्स्ड है, तो सेट होगा या नहीं होगा? होगा, ठीक है भाई, तो सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, हाँ भाई सेट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। सबसे अधिक, भाई मेरे को तो सांप से डर लगता है, किसी को बिच्छू से डर लगता है, किसी को छिपकली से और किसी को कॉकरोच से, तो मेरे लिए तो सबसे खतरनाक कौन है? सांप। और जिसको कॉकरोच से डर लगता है उसके लिए कॉकरोच सबसे ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। किसी के लिए ये चीता, किसी के लिए शेर, किसी के लिए कुछ, जिसको जिससे डर लगता है वो उसके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। मेरे को एक बार शेर से डर नहीं लगेगा, लेकिन मेरे को सांप से बहुत डर लगता है, तो मेरी सबसे अधिक खतरनाक कौन? सांप, ठीक है भाई, स्नेक। तो ये सेट नहीं हुआ, क्योंकि सबके विचार अलग हैं, डेफिनेशन चेंज हो रही है, ठीक है भाई। सांप सांप कर रहे हो क्या तुम्हें? सांप तो ठीक है भाई, तो नोट कर लोगे। दूसरे क्वेश्चन में बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू भरना है, ठीक है भाई। तो एक सेट दे रखा है, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, हाँ भाई इसको तुम कर सकते हो, सभी लोग कर सकते हैं जिसने पिछली वाली वीडियो देखी होगी। हाँ भाई, फाइव बिलोंग करता है इस ए में, फाइव है तो बिलोंग्स टू, एट है नहीं तो डज नॉट बिलोंग्स टू, जीरो है, जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू क्योंकि जीरो है ही नहीं, फोर है तो फोर बिलोंग्स टू, टू है, टू तो टू बिलोंग्स टू, टेन बिलोंग्स टू करता है भाई? नहीं करता, है ही नहीं उसमें, तो टेन डज नॉट बिलोंग्स टू, क्लियर। ये दूसरा क्वेश्चन हुआ, ठीक है भाई। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए, रोस्टर रूप में लिखिए। तो देखो भाई, तीसरे का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि एक सेट है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, माइनस थ्री से बड़ा है और सात से छोटा है, तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए, ठीक है भाई। हाँ भाई, तो x इज एन इंटीजर, माइनस तीन से बड़ा है बेटा, माइनस तीन से बड़ा मतलब माइनस दो, माइनस एक, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच और ये छह, सात से छोटा है इसलिए छह, क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन, b एक सेट दे रखा है और x
एक्स इज अ नेचुरल नंबर, लेस देन 6। ठीक है भाई, तो बी सेट क्या होगा भाई, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो x एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और 6 से कम है, तो 1 से लेके 5 तक, 1 2 3 4 5, क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन, x सच दैट x, चलो मैं इसको डायरेक्ट रोस्टर फॉर्म में ही लिखता हूं, ठीक है। क्वेश्चन बोल देता हूं, x दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है, दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। मतलब क्या है, मैंने दो अंकों की कोई संख्या लिखी 50, दो अंकों की ऐसी कोई संख्या लिखी मैंने 53, ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए पहली, और इनके अंकों का योग 8 होना चाहिए, तो 5 और 3 8, तो ऐसी ऐसी संख्या लिखनी जिनके अंकों का योग 8 हो। तो देखो भाई, सबसे पहले 17 और उसके बाद 71, उसके बाद 26 और उसके बाद 62, 53 और 35, 44, ठीक है भाई, हाँ 80 भी हो जाएगा, और 8 नहीं होगा क्योंकि 8 क्या है, 0 आ गया है। मैं 8 को लिखूंगा तो ऐसे थोड़ी लिखूंगा, मैं तो 8 को सिर्फ ऐसे लिखूंगा, और अगर मैं ऐसे भी लिख भी दूं तो ये क्या है, डबल डिजिट नंबर थोड़ी है भाई, सिंगल डिजिट नंबर है। उसने बोला दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स, जिनके डिजिट का सम 8 हो, तो सिर्फ यही है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि x एक प्राइम नंबर है और जो 60 की क्या है, भाजक है, मतलब जिससे 60 डिवाइड होता हो और वो प्राइम नंबर भी हो, ठीक है, तो 60 को डिवाइड भी करता हो और प्राइम नंबर भी हो। तो सबसे पहले तो 2 एक प्राइम नंबर है और वो 60 को भी डिवाइड करता है, 3 प्राइम नंबर है और 60 को भी डिवाइड करता है, 5 प्राइम नंबर है और 60 को डिवाइड करता है, ठीक है भाई, अच्छा 7 से डिवाइड होगा नहीं, ठीक है, 7 एक प्राइम नंबर तो है लेकिन 7 से डिवाइड नहीं होगा 60, तो 2 3 5 उसके बाद कोई ऐसा है जिससे 60 डिवाइड होता हो और प्राइम नंबर हो, 9 प्राइम नंबर तो है नहीं, 7 के बाद प्राइम नंबर आता है 11 प्राइम नंबर तो है बट उससे 60 डिवाइड नहीं होगा, तो वो नहीं आएगा, ठीक है, 13 60 डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। तो उसके बाद कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं जिससे 60 डिवाइड हो, तो 2 3 5 सिर्फ ये ही प्राइम नंबर ऐसे हैं जिनसे 60 डिवाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ट्रिग्नोमेट्री के अक्षरों का समुच्चय, उसको क्या लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो ट्रिग्नोमेट्री की स्पेलिंग क्या होती है भाई, TRIGONOMETRY, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो TRIGON, अब O आएगा तो ओ पहले ही आ चुका है, अब ओ को रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है, एम ई टी नहीं आएगा क्योंकि टी रिपीट हो चुका है, और आर भी नहीं आएगा क्योंकि आर रिपीट हो चुका है, वाई आएगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के जो अक्षर थे इनको हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब ऐसे ही एक बेटर वर्ड दे रखा है, हाँ भाई, इसको लिखेंगे बी ई टी, टी दोबारा नहीं आएगा, ई दोबारा नहीं आएगा, अब क्या आएगा, आर, क्लियर है। तो ये हो गए हमारे नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दे रखे हैं इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है भाई, राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है भाई। तो पहला 3 6 9 12, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो भाई, ठीक है भाई। तो देखो लिखते कैसे हैं, सबसे पहले तो नाम का सेट का नाम करो, ठीक है भाई,
एक्स सच दैट, एक्स क्या है यहां पे देखो जरा, थ्री का मल्टीपल है कि नहीं है, एक्स इक्वल टू थ्री एन, क्लियर है। और यहां पे चाहो तो एन की वैल्यू लिख दो, चार के बराबर है और चार से छोटी है, और एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो यहां पे नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होगा तो वन वैल्यू रखेंगे तो वन आएगा, थ्री थ्री या वन थ्री आएगा, टू रखेंगे तो सिक्स आएगा, थ्री रखेंगे तो नाइन, और फोर रखेंगे तो ट्वेल्व। चार से ज्यादा हम रख नहीं सकते क्योंकि जो एन की वैल्यू वो चार से कम है, क्लियर है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गई, क्लियर है। इसी टाइप से अपना थोड़ा सा दिमाग यूज करके लिख सकते हैं हम, ठीक है। टू फोर एट सिक्सटीन थर्टी टू, हाँ भाई इसको बताओ जरा ये कैसे लिखा जाएगा। देखो सबसे पहले ये टू की पावर वन है, फिर ये टू की पावर टू है, ये टू की पावर थ्री है, ये टू की पावर फोर, ये टू की पावर फाइव, तो ये सब टू की पावर फाइव, टू की पावर के रूप है। तो इसको नाम दिया बी हमने, और एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू टू की पावर एन, क्लियर। और एन इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू फाइव, और एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। इसको कुछ और भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, एन इस टाइप से भी लिख सकते हैं हम, एन इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं डेफिनेशन के रूप में, तो आप चाहो जैसे लिख सकते हैं, क्लियर है। तीसरा, फाइव ट्वेंटी फाइव वन ट्वेंटी फाइव और सिक्स टू फाइव, हाँ भाई ये किसकी पावर्स है, फाइव की पावर्स, फाइव की पावर वन, फाइव की पावर टू, फाइव की पावर थ्री, फाइव की पावर फोर, कर सकते हो अपने आप, डू योर सेल्फ। नेक्स्ट, हाँ भाई टू फोर सिक्स, हाँ भाई ये क्या है बताओ, इसको नाम दिया हमने डी सेट, और एक्स सच दैट एक्स एक क्या है, सभी इवन नंबर है, एक्स इज एन इवन नंबर या इवन पॉजिटिव नंबर, ठीक है भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत। हाँ भाई फिफ्थ क्वेश्चन, वन फोर नाइन ये हंड्रेड, तो इसको सेट रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे भाई, देखो ये वन वन का स्क्वायर, ये टू का स्क्वायर, ये थ्री का स्क्वायर और ये टेन का स्क्वायर, तो यहाँ पे बीच में भी स्क्वायर ही रहे होंगे, और ये नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, क्लियर। तो हम इसको लिख सकते हैं, नाम दे दो इसको ई, क्लियर है। एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर, और एन इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू टेन, और एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एन हमारा दस के बराबर है या दस से छोटा है, और एन हमारा क्या है, वो नेचुरल नंबर है। क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं भाई, देखो क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कह रहा है, सभी को क्या लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है भाई। राइट इन रोस्टर फॉर्म, पहला क्वेश्चन रखा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर, हाँ भाई क्या लिखोगे भाई, वन थ्री फाइव सेवन नाइन और तीन डॉट बना करके खत्म, क्लियर है। पूरा थोड़ी लिखोगे, कहाँ तक लिखोगे, ठीक है, एडसेक्ट्रा नहीं लिखोगे, सिर्फ तीन डॉट बनाओगे, मैथ में एडसेक्ट्रा नहीं आता, मैं इंग्लिश में आता है एडसेक्ट्रा, ठीक है। चलो भाई दूसरा, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, और लिखा है माइनस टू से बड़ा है और नौ बाई दो से छोटा है, ठीक है भाई। अब देखो एक्स इज एन इंटीजर, माइनस वन बाई टू से बड़ा है और नाइन बाई टू से छोटा है, तो देखो भाई इंटीजर क्या होता है, होल वैल्यू, तो माइनस वन बाई टू से बड़ी मतलब ये आधा है, आधे से बड़ा कौन होगा, जीरो होगा, उसके बाद वन टू
3, इसका मतलब दिखाए तो ये 4.5 है, तो 4.5 से छोटा कौन होगा? 4 होगा, क्लियर। तीसरा पार्ट, x such that x is an integer और x square is less than and equal to 4। हाँ भाई, तो ये कह रहा है x एक इंटीजर है और x का स्क्वायर करने पर या तो 4 आना चाहिए या 4 से छोटा आना चाहिए। तो x की वो वैल्यू बताओ जिसका स्क्वायर करने पर या तो 4 आए या 4 से छोटा आए। तो देखो भाई, एक तो देखो माइनस टू का स्क्वायर करूंगा तो भी 4 आएगा, माइनस वन 4 से छोटा आएगा, ठीक है। 0, 1 और 8, 2, क्योंकि इनमें कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर 4 से बड़ा आए। ये सब स्क्वायर करने पर 4 से छोटी आएंगी या फिर 4 के बराबर आएंगी, क्लियर है। फोर्थ क्वेश्चन, x such that x is a letter of word loyal। हाँ भाई, क्या लिखोगे इसमें बताओ भाई, बताओ। L O Y A, L नहीं आएगा भाई दोबारा, क्योंकि L रिपीट नहीं होगा, क्लियर है। दोबारा लिखते नहीं है, और लिख भी दो तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। फिफ्थ, हाँ भाई, X एक वर्ष का ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो बताओ भाई, कौन कौन से महीने ऐसे हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं? फरवरी है, मार्च तो है, अप्रैल है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, मई है, लेकिन जून नहीं, जून में 30 होते हैं, जुलाई और अगस्त में दोनों में 31 होते हैं, ठीक है भाई। सितंबर, अक्टूबर नहीं होगा, नवंबर होगा, और दिसंबर में तो 31 होते हैं, तो यही आंसर हो जाएगा, क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन है इसका, एक्स एक अंग्रेजी वर्ड माला का व्यंजन है जो के से पहले आता है, तो वो सभी कॉन्सोनेंट जो के से पहले आते हैं बताओ भाई। बी सी डी ई नहीं आएगा, एफ आएगा, जी एच आई नहीं आएगा, क्योंकि वो वॉवेल है, ठीक है भाई, जे, और के से पहले तो यही है, क्लियर है भाई, के से पहले तो यही है, ठीक है भाई। तो वो सारे कॉन्सोनेंट जो के से पहले हैं, तो ये सारे कॉन्सोनेंट हैं जो के से पहले हैं, ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है, मैच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 6 मैच ऑफ द फॉलोइंग, वो तुम्हें अपने आप करना है, ठीक है भाई।